लेकिन जैसे ही गुजरात के चुनाव का नतीजा आता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार 22 प्रतिज्ञाओं पर पाबंदी लाने की चेष्टा नहीं करेगी तो असलियत में पाबंदी लाएगी, कानूनी कार्रवाई होगी। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं पर रोक लगाएगी मोदी सरकार। मैं अंबेडकर वादियों से ऐलान करता हूं कि खतरे की घंटी बज चुकी है। वैदिक हिंदू धर्म के प्रचारकों ने जो कहा है उसको बड़ी गंभीरता से लीजिए। बाबा साहेब के पोते प्रकाश अंबेडकर का हैरान कर देने वाला दावा। लेकिन जैसे ही गुजरात के चुनाव का नतीजा आता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार 22 प्रतिज्ञाओं पर पाबंदी लाने की चेष्टा नहीं करेगी तो असलियत में पाबंदी लाएगी, कानूनी कार्रवाई होगी। क्या मोदी सरकार बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को बैन करने जा रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि खुद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने इस ओर इशारा किया है। प्रकाश अम्बेडकर ने एक वीडियो जारी कर कहा कि मोदी सरकार गुजरात चुनाव के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उन 22 प्रतिज्ञाओं को बैन कर सकती है जो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते वक्त ली थी। प्रकाश अम्बेडकर ने 5 अक्टूबर को दिल्ली में हुए धम्म दीक्षा कार्यक्रम में दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को लेकर खड़े किए गए विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि वैदिक हिंदू धर्म के लोग 22 प्रतिज्ञाओं पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। दिल्ली में कुछ दिन पहले धम्म दीक्षा समारोह आयोजित किया गया था और जहां बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा का पठन हुआ और जो दीक्षित होना चाहते थे उन्होंने एक दूसरे को आश्वासित किया कि हम अपनी जिंदगी इस 22 प्रतिज्ञा के मुताबिक इसके बाद जिएंगे। इस बात को लेकर वैदिक हिंदू धर्म के प्रचारक और संगठन इन्होंने आपत्ति जताई, विरोध किया और ऐलान किया कि हम पाबंदी चाहते हैं 22 प्रतिज्ञा पर, कानूनी कार्रवाई चाहते हैं और हम धर्म की जो आलोचना हो रही है उसको हम मुंह तोड़ा जवाब देंगे। मैं अंबेडकर वादियों से ऐलान करता हूं कि खतरे की घंटी बज चुकी है। वैदिक हिंदू धर्म के प्रचारकों ने जो कहा है उसको बड़ी गंभीरता से लीजिए। गुजरात के चुनाव तक केंद्र सरकार राज्य सरकार कुछ नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही गुजरात के चुनाव का नतीजा आता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार 22 प्रतिज्ञाओं पर पाबंदी लाने की सिर्फ चेष्टा नहीं करेगी तो असलियत में पाबंदी लाएगी, कानूनी कार्रवाई होगी और बाबा साहब की एक तरफ की इज्जत की जिंदगी का रास्ता जो बताया था उसको खत्म करने की बात यहां पे शुरुआत होगी। 5 नवंबर को नांदेड़ में धम्म सम्मेलन आयोजित किया गया है। मैं तमाम अंबेडकर वादियों से ऐलान करता हूं कि इस धम्म सम्मेलन को सफल बनाने के लिए लाखों की संख्या में आप उपस्थित रहिए। आने वाली 5 नवंबर को नांदेड़ में बड़ा धम्म सम्मेलन हो रहा है जहां लाखों लोगों के धम्म दीक्षा लेने की उम्मीद है। प्रकाश अंबेडकर ने अंबेडकर वादियों से वहां पहुंचने की अपील की है। गुजरात के चुनाव तक केंद्र सरकार राज्य सरकार कुछ नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही गुजरात के चुनाव का नतीजा आता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार 22 प्रतिज्ञाओं पर पाबंदी लाने की सिर्फ चेष्टा नहीं करेगी तो असलियत में पाबंदी लाएगी, कानूनी कार्रवाई होगी और बाबा साहब की एक तरफ की इज्जत की जिंदगी का रास्ता जो बताया था उसको खत्म करने की बात यहां पे शुरुआत होगी। 5 नवंबर को नांदेड़ में धम्म सम्मेलन आयोजित किया गया है। मैं तमाम अंबेडकर वादियों से ऐलान करता हूं कि इस धम्म सम्मेलन को सफल बनाने के लिए
लाखों की संख्या में आप उपस्थित रहिए। प्रकाश अंबेडकर के दावे के बाद बाबा साहब के अनुयायियों में इस बात को लेकर जरूर आक्रोश पैदा हो गया है कि कहीं मोदी सरकार वाकई 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर कोई ऐसा फैसला तो नहीं करने वाली जो बाबा साहब का अपमान होगा। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।